तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की गाड़ी सियाज आई हुई है। ये हमारे पास फुल डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई है, तो इसमें हम आगे पीछे का बम्पर रिप्लेस करने वाले हैं, दोनों हेडलाइट रिप्लेस करने वाले हैं और फुल पेंटिंग करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं अभी इसकी हालत क्या है। ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डिक्की की हालत। ये देख सकते हैं इसका डेंट निकाल रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमारा सारा डेंट निकाल चुके हैं, सिर्फ इसका आगे पीछे का बम्पर एक बार फिटिंग करके थोड़ा इसका लाइन लेवल चेक करना है, और उसका फाइनल पेंटिंग होने के बाद फिर इसका हम आगे पीछे का बम्पर लगाएंगे, क्योंकि इसका आगे पीछे का बम्पर दोनों रिप्लेस है। ये इसका जूना बम्पर है, ये देख सकते हैं इसका जूना बम्पर है आगे का। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमारा डेंटिंग का काम चल रहा है, जब पेंटिंग का काम चलेगा तब हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारे अंसारी जी इसका डोर पैड ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसका चारों डोर पैड भी हम ओपन करके पेंट करेंगे। इसका अंदर का जो डोर पैड आता है, जो फुट्टा आता है, वो भी हमने चारों ओपन किया, देख सकते हैं। और इसका हेडलाइट और टेल लाइट दोनों ओपन करके ही पेंट करेंगे। पेंट होने के बाद हम इसका हेडलाइट और टेल लाइट फिट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है अगर हेडलाइट लगा के हम पेंट करेंगे तो ये देख सकते हैं ये जो कोना होता है ये पेंट नहीं हो पाएगा, इसके अंदर ऐसे ही रह जाएगा। तो इसके लिए हेडलाइट ओपन करके आप पेंट करेंगे तो ये जो साइड साइड का कोना है इसमें भी पेंट आपका बना रहेगा एकदम अच्छे से। तो इसके लिए कभी भी हेडलाइट टेललाइट ओपन करके ही फुल गाड़ी पेंट करना है तो पेंट कीजिएगा, हम आपको दिखाएंगे इसका पेंटिंग होते समय। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि हमारे पास मारुति कंपनी की सियाज गाड़ी आई है फुल डेंटिंग पेंटिंग के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डेंटिंग का काम फाइनल हो चुका है। अभी हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है लामी पुट्टी का, तो देख सकते हैं अभी इसमें लामी पुट्टी भरे हुए हैं हमारे पेंटर साहब जी, और भर कर इसको सूखने के लिए छोड़ा गया है अभी, ये देख सकते हैं। फ्रेंड इसमें हमने हेडलाइट टेल लाइट गार्डनेस पट्टी टॉप पट्टी ये सारे चीज़ें हमने ओपन किया है इसको पेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है अगर आप गार्डनेस पट्टी ओपन नहीं करते हैं इसी पेंट कर देते हैं, तो अगर समझ लीजिए कभी आप गार्डनेस पट्टी रिप्लेस करेंगे तो आपका ये जो है यहाँ का पेंट उड़ा हुआ मिलेगा। इसके लिए हम सारे चीज़ें ओपन करके इसको क्लियर तरीके से पेंट करते हैं। ये देख सकते हैं टॉप का पट्टी भी हमने ओपन किया है, इसके खाचे खाचे में भी हम पेंट पूरी तरह से मारेंगे। इसका पीछे का टेल लाइट भी हमने दोनों ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये बम्फर में भी लाइट बैठता है पीछे के, वो भी हमने ओपन किया है ताकि इसके जो लाइट का जो कोना कोना आता है इसमें भी हमारा पेंट जा सके, देख सकते हैं। क्योंकि क्या लाइट लगा रहेगा फिर ऊपर ऊपर से हम पेंट मार देंगे तो जो साइड का है ये ऐसी रह जाएगा, इसके अंदर पेंट नहीं जाएगा, इसके लिए हमने ये दोनों टेल लाइट और पीछे का भी लाइट हमने ओपन किया है। ये फ्रेंड है हमारे सारी चीज़ें हैं मिरर, इसको भी हम पेंट करेंगे। ये मटफ्लिप है चारों, देख सकते हैं इसको भी हम पेंट करके लगाएंगे। ये बम्पर का ग्रिल है आगे का, इसका फ्रेंड हम बम्पर रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि इसके बम्पर पर मार लगा था, तो इसका नया बम्पर हम आपको दिखाते हैं। ये पड़े हैं ये सारे चीज़ हम पेंट करने वाले हैं, ये देख सकते हैं ये इसका बम्पर है आगे का, इसे भी हम पेंट करने वाले हैं। तो हमारा पेंटिंग का काम चालू है, तो देख सकते हैं इसका सारे चीज़ें हमने इतने ओपन किए हैं पेंटिंग के लिए। इसका जो फेंडर लाइनिंग गोला आता है वो भी हमने चारों ओपन किया है, चारों व्हील का, ये आपको राइट व्हील का हम दिखा रहे हैं आगे का। ये हमारा देख सकते हैं पीछे का, तो चारों गोला हमने ओपन किया है, अंदर का डोर पैड भी हमने ओपन किया है देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम कलर मारेंगे। ये चारों डोर पैड हमने ओपन किया है देख सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ओपन करके पेंट किया जाता है,
ताकि कस्टमर को आगे चल कर कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने दोनों साइड का मिरर भी ओपन किया है पेंटिंग करने के लिए, तो इसका हमारा पेंटिंग का काम चालू है। जब पेंटिंग का काम फाइनल होने के बाद हम आपको इस गाड़ी का लुक और शाइनिंग दिखाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा इसका लुक और शाइनिंग, ठीक है। तो अभी हमारा लामी पुट्टी का काम चल रहा है, जब अभी इसके बाद अस्तर मारा जाएगा, जब अस्तर मारा जाएगा तब हम आपको इसको दिखाएंगे, और उसके फाइनल जब पेंटिंग किया जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और फाइनल हमारा गाड़ी होने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग, हमारा फुल पेपर टेपिंग का काम चालू है, और इसे पेपर से पूरा टेपिंग करके कवर करके उसके बाद इस पर अस्तर का पेंट मारा जाएगा। ये हमारे पेंटर जी है, तो पेंटर जी ये टेपिंग करने के बाद क्या करने वाले हैं इसमें? प्राइमर मारने का। प्राइमर मारेंगे, तो ठीक है, देख सकते हैं हमारे पेंटर जी है, अभी पूरा टेपिंग करके कवर करेंगे, इसके बाद प्राइमर मारेंगे, उसके बाद से क्या मारेंगे? उसके बाद अस्तर मारेंगे, और उसके बाद से फिर फाइनल पेंट मारेंगे। तो हम आपको सब स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, अभी तो फिलहाल पूरा कवर कर रहे हैं टेपिंग करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड, है हमारा राइट साइड से भी प्राइमर मार दिया गया है, ये देख सकते हैं हमारा बोनट भी पूरा प्राइमर मारा हुआ है, ये हमारा चारों तरफ से प्राइमर मार के हो गया है, सिर्फ डिक्की इसका बाकी है प्राइमर मारना, डिक्की और टॉप। देख सकते हैं हमारे बम्पर पे भी मारा जा रहा है, ये पीछे का बम्पर है, इसको प्राइमर मार रहे हैं। तो इसी प्रकार से पूरे गाड़ी को हम प्राइमर मारेंगे, ये हमारा दोनों साइड से प्राइमर मार के हो चुका है, सिर्फ डिक्की और टॉप बाकी है, वो भी हम हमारे पेंटर जी मारेंगे इसको पूरा। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा प्राइमर चालू है मारना, ये प्लास्टिक प्राइमर मारा जा रहा है इसमें, ये फुल गाड़ी को प्लास्टिक प्राइमर मार के इसको कोटिंग किया जाएगा। ये मारने से क्या होता है फ्रेंड, कलर का आपका जो लाइफ है वो लाइफ ज़्यादा रहता है, जैसे जो 10 साल चलने वाला वो 15 साल चलेगा आपका, इसके लिए हमें प्लास्टिक प्राइमर मार के इसके ऊपर फाइनल कोट मारते हैं, ताकि पेंट का जो लाइफ है वो बढ़ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार पूरे गाड़ी को ये मारा जाएगा, अभी लेफ्ट साइड में मारा जा रहा है, फिर इसके बाद राइट साइड से पूरा कोटिंग किया जाएगा आगे पीछे से चारों साइड से। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी गाड़ी का एक कोट हो रहा है, इसके बाद फाइनल कोट मारेंगे। अभी कलर मारा जा रहा है फ्रेंड, इसके बाद फाइनल कोट मार के उसके बाद इसके ऊपर लेकर मारेंगे, तो इस गाड़ी का शाइनिंग आएगा।
इसी प्रकार से डबल कोट पूरे चारों बाजू से मारा जाएगा। अभी राइट साइड से मार रहे हैं, इसका जब डबल कोट हो जाएगा तो उसके बाद हम लेकर मारेंगे, जिससे शाइनिंग आता है गाड़ी का, तो भी हम मार के आपको दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं, अभी कलर मारे तो शाइनिंग नहीं आ रहा है, जब लेकर मारेंगे तब इसका शाइनिंग आप देखिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी फुल पेंट हो चुकी है। तो अभी इसका जो भी पार्ट हमने ओपन किया था वो सब फिटिंग करना चालू करेंगे, और उसके बाद फिटिंग करने के बाद, फाइनल होने के बाद, पॉलिश करने के बाद फिर हम आपको इसको बताएंगे कि इसका लुक और लाइक क्या होता है, किस तरह से इसका लुक आएगा फ्रेंड, वो फाइनल होने के बाद हम आपको बताएंगे। अभी तो हमारा पेंटिंग पूरा हो चुका है। देख सकते हैं, इसके जो भी पार्ट ओपन किए थे ये देख सकते हैं, चारों डोर के पुट्टा ओपन किए थे। तो अब इसका चारों डोर पुट्टा लगाएंगे, आगे पीछे का टेल लाइट हेडलाइट लगाएंगे, बम्पर ओपन किया था बम्पर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें फिटिंग करके और सब पॉलिश करके वॉश करके फिर आपको इसको दिखाएंगे कि इसका शाइनिंग और लुक कितना आता है करके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी हमारे पास फुल डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई थी, तो ये गाड़ी का हमारा पेंटिंग का काम पूरा तरह से ओके हो चुका है। तो हमने इसमें जो जो पार्ट खोले थे वो सारे फिट कर दिए हैं। ये थोड़ा अंदर जो हमारा काम करते समय जो थोड़ा बहुत हल्का हाथ वाथ लग गया था सीट वीट पर, तो उसे पूरी तरह से अंदर से क्लीनिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं, ये क्लीन करके और बाहर से पॉलिश मार के ये गाड़ी हम ओके कर देंगे। हमारा क्लीनिंग चालू है, देख सकते हैं, जो भी डोर पैड पे जो हाथ लगा था वो भी देख सकते हैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं चारों हमारे डोर पैड, ये हमारा डिक्की में भी क्लीनिंग चालू है। ये राइट साइड का भी डोर पैड देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम क्लीन हो चुका है, किसी प्रकार का कोई दाग वाग नहीं है। ये हमारा फाइनल होने के बाद फुल गाड़ी को पॉलिश मारेंगे, और पॉलिश मारने के बाद ये हमारा गाड़ी ओके हो जाएगा। अभी इंटीरियर क्लीनिंग चालू है, इंटीरियर क्लीनिंग होने के बाद फिर बाहर से पॉलिश मारेंगे पूरे गाड़ी को। देख सकते हैं हमारे अंसारी जी मेहनत कर रहे हैं, बहुत गर्मी है भाई, गर्मी से भीग चुके हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं पूरी तरह से चमका दिए गए हैं अंसारी जी ने हमारे, इसमें आप अपना शक्ल भी देख सकते हैं। फाइनली फ्रेंड, ये देख सकते हैं गाड़ी हमारे पास
फुल पेंटिंग और पेंटिंग के लिए आई थी, जो हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। आप चारों गाड़ी को देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी फुल से सफाई हो चुकी है। हमने इसके सारे पार्ट ओपन किए थे, नंबर प्लेट, हेड लाइट, इसके बाद मोटर एक्स्ट्रा लाइट मिलता है वो देख सकते चारों गाड़ी से। वो हमने पॉलिश भी करके रखा है, टायर का देख सकते पॉलिश मारा गया है। अंदर से भी आप देख सकते हैं जो भी हमने पार्ट ओपन किए थे सारे पार्ट हमने फिट कर दिए हैं। फ्रेंड हमने इसका दोनों हेडलाइट रिप्लेस किए हैं, देख सकते हैं लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी दोनों हमने हेडलाइट रिप्लेस किया है, आगे का बम्पर रिप्लेस किया है। बाकी सारे चीज़ें जो भी ग्रिल विल आती है सबने हमने ओपन करके फिटिंग की, ओपन करके पेंटिंग किया था। तो हमारी गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है, देख सकते हैं इसकी शाइनिंग कितनी स्मूथली है, देख सकते हैं थोड़ा भी रफ नहीं है कलर, एकदम मुलायम, देख सकते एकदम मक्खन जैसा हाथ सरक रहा है। हमारा आगे की देख सकते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसमें इसका सीट कवर भी रिप्लेस किया है, देख सकते हैं ये सीट कवर रिप्लेस किया गया है चारों। और ये जो डोर का कवर आता है ये देख सकते हैं ये भी हमने रिप्लेस किया है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें काम की गई है फ्रेंड। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने इसको पेंटिंग करने के लिए इसके जितने भी बाहर से पार्ट्स आते हैं वो सारे पार्ट्स हमने ओपन किए थे, हैंडल हो गया, टेल लाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, आगे पीछे का बम्पर हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी फ्रेंड हमने जितनी भी सारी चीज़ें आती है पेंटिंग के लिए हमने सारी चीज़ें ओपन की थी, आगे पीछे का, आगे का हेडलाइट हो गया, पीछे का टेल लाइट हो गया, एक टॉप पट्टी हो गया, एक गार्डनेस पट्टी हो गया, ये चारों हैंडल हो गया, आपका पीछे का टेल लाइट हो गया, आगे का बम्पर हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी भी आती है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है बहुत से लोग क्या करते हैं बार बार पेंट मार देते हैं, तो जब आप गार्डनेस पट्टी रिप्लेस करेंगे तो यहाँ का जो पेंट है आपका जूना दिखेगा, हैंडल के अंदर का जो खाचे में रहता है वो भी आप हैंडल का भी टूट गया रिप्लेस करेंगे तो आपको जूना दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये सारी चीज़ें ओपन करके हम पेंट करते हैं। हमारे पास टेल लाइट देख सकते हैं, टेल लाइट भी हमने ओपन किया था। तो क्या होता है बहुत से लोग इसमें टेल लाइट पेंटिंग करके और ऊपर पेंट उड़ा देते हैं फ्रेंड। इसमें क्या होता है टेल लाइट का भी टूट गया, आप रिप्लेस करने जा रहे हैं तो इसके अंदर जो पेंट रहता है वो आपका जूना ही रहता है। उसके लिए हमारे पास ऐसा काम नहीं होता है, हमारे पास पूरी जितनी भी बाहर की चीज़ें आती है पेंटिंग के लिए वो सारी चीज़ें ओपन करके फिर हमारा पेंट किया जाता है। तो हमने आपको इसमें दिखाया था कि हमने क्या क्या इसके लिए ओपन किया पेंटिंग के लिए, तो सारी चीज़ें जो भी है हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, पेंटिंग का भी काम कम्प्लीट हो चुका है और फुल पॉलिश भी हो चुका है पेंट। तो बस हमारे पास इतनी सारी आप लोग गाड़ियाँ, अगर आप लोग के पास पेंट करना रहेगा तो हमारे पास लाइए, हम आपको वैसे ही पेंट और साइनिंग करके देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा ये वीडियो था फुल डेंटिंग पेंटिंग का। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आगे से आगे चलकर आपके पास सामने ऐसे अच्छा वीडियो पेश कर सकें।